लोग अक्सर कहते हैं आई डू थिंग्स मोस्ट वुमेन डोंट, जैसे वी वॉश की एड। इंटीमेट हाइजीन के पुराने सोप और वाटर के रूटीन से एक बेहतर और प्रोग्रेसिव चॉइस, पर कोई खुल के बात ही नहीं करना चाहता। आखिर इंटीमेट एरिया की बात है ना। हम वुमेन ना इस जमाने में भी अपने चॉइसेस, डिसीशंस और खुशियों को इम्पोर्टेंस देने से हिचकिचाती हैं। कभी लोगों के कहने सोचने की फिक्र, कभी कुछ नया करने का डर, या बस खुद के लिए कुछ करने की झिझक। यही सब तो सोच के हम अपने आप को रोक लेती हैं, है ना। करियर के स्टार्ट में मैं भी खुद को ऐसे ही रोक लेती थी, बट देन मैंने रियलाइज किया कि माना कि मैं किसी की बेटी, बहन, बीवी, फ्रेंड या कॉलीग हूं, पर एक रिश्ता और भी है, खुद से खुद का रिश्ता। इसीलिए जब मेरे ड्रेसिंग सेंस, चॉइस ऑफ फिल्म्स या शॉर्ट पे सोच बदलने की मेरी कोशिश पर सवाल उठे, तो मैंने सिर्फ खुद की सुनी। तो जब मुझे पता चला कि वी वॉश प्लस इंटीमेट हाइजीन के लिए एक बेहतर और प्रोग्रेसिव चॉइस है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे अपनाऊंगी भी और रेकमेंड भी करूंगी। वी वॉश प्लस, नो इरिटेशन, नो इचिनेस, नो ड्राइनेस। तो इंटीमेट हाइजीन में हो या जिंदगी में, अब निभाओ खुद से खुद का रिश्ता।